नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इसके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैसे कल रात से हमें पढ़ाई का भूत सवार हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दो ही तरीके से पढ़ते हैं, या तो मैं खुद पढ़ लूँ या तो यूनिवर्सिटी वाले हमें पढ़ा दें। तो सोचा कि मैं खुद से तो पढ़ूंगा नहीं, तो यूनिवर्सिटी वाले लोग को ही बोलता हूँ कि मुझे पढ़ा दे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एडमिशन लेना होगा, उसकी फॉर्म भरनी होगी। तो वैसे रांची यूनिवर्सिटी की फॉर्म आई है, तो वही आज भरने जाएंगे, तभी तो वो लोग हमें पढ़ाएंगे। ये सारे रूल्स है, तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने। और सोचे अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो साथ में आपको भी लेके चलते हैं, आप भी घुमाओगे एक बार, हमारी यूनिवर्सिटी देख लेना कि कैसा ही है और कितनी अच्छी है, ये भी आपको पता चल जाएगी। आज भी दुर्गा पूजा चल रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आज ये यूनिवर्सिटी ओपन है या नहीं ओपन है, वो तो जाके पता चलेंगे। तो फटाफट बैग पैक करते हैं, थोड़ी सी बेड, हमारी हमारी बेड की स्थिति थोड़ी ख़राब है, तो पहले इसको ठीक करते हैं, फिर तैयार होते हैं, और फिर कुंदन को भी लेके चलेंगे साथ में, साथ में सुशांत को भी बुला लेंगे और खादिम को भी बुला लेंगे, सारे दोस्त लोग को बुला लेंगे, क्योंकि फॉर्म हमें भरना है, तो वो लोग को भी लेके जाएंगे साथ में। अगर उन लोगों का भी मन हुआ पढ़ने का तो वो लोग का भी करवा देंगे। तो फिर चलिए चलते हैं रांची यूनिवर्सिटी। भैया रांची में दो चीज़ तो कॉमन है, एक तो पहला जाम और रांची रोड का जाम, दोनों जाम फिक्स है। ये होते हैं तो हमने गलियों का सहारा लिया है, और ये दोस्त जो हमारा कुंदन है, इसको बहुत सारी गलियां देखी हुई है रांची की, तो अभी उधर ही लेके जा रहा है। हम भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम किधर जा रहे हैं, कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बोला कि गूगल मैप से देख लेते हैं, पर नहीं, इसको तो पता है। फिलहाल देखते हैं कितने देर में ये हमें पहुँचाता है। बस भैया मोराबादी वाली गलियों में है, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि रातू रोड ही सिर्फ जाम होता है, इधर का नहीं, इधर कभी कभी जाम होता है। और वैसे भी अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस है वो तो बंद है, लेकिन शायद ऑफिशियल काम हो रहा होगा। अभी जाके देखते हैं, देखिए पूरा रोड पीछे खाली ही खाली है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, बस कुछ ही लोग आए लगता है। तो फिर आगे चलते हैं, बहुत ऐसा है कि कॉलेज तो हम पहुंच गए और गेट खुली तो है, लेकिन जो ऑफिशियल काम है वो हो नहीं रहा है, और जो फॉर्म भरने वाला काम है वो होगा 18 तारीख को। अभी हमारा दोस्त जस्ट पूछ के आया, लेकिन बेचारा पसीना पसीना हो गया, इतनी गर्मी में आया उसके बावजूद इनका काम नहीं हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हमारे और दोस्त आ रहे हैं, उनको अभी तक हमने बताया नहीं कि काम नहीं हो रहा, उन लोग को आने देते, थोड़ा परेशान करना ज़रूरी है ना भाई, हम इतने दूर आए हैं तो उन लोग को भी आने दीजिए। तो चलिए वेट करते हैं उनका। अभी हम खड़े हैं दो दो यूनिवर्सिटी के सामने, और बीच में ये रास्ता है, मतलब बॉर्डर है जिसको आप कह सकते हो। एक तरफ है श्यामा श्यामा क्या था भाई, एक तरफ रांची यूनिवर्सिटी है और एक तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो उन दोनों के बीच में हम है, कंफ्यूज है कि इसमें एडमिशन ले कि इसमें एडमिशन ले, डिसीजन अभी तक चलिए रहा है, रोड पे चल रहा है, उसके बीच में डिसीजन, इधर एडमिशन लेना है किधर भी डिसीजन, हम करें इसको टॉस कर ले, अगर हेड आ रहा है इधर ले ले, टेल आ रहा है इधर ले। अभी बस यही चल रहा है कि हेड टेल किया जाएगा कि इधर वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या इधर वाली, पर एक्चुअली क्या है कि दोनों बंद है आज, तो आज ये सारी डिसीजन हो नहीं पाएंगे। तो फिर हम वापस 18 तारीख को फिर मिलेंगे और उस दिन ये करेंगे। बाकी अभी हमारा दोस्त एक सुशांत अभी तक पहुँचा नहीं है, उसको बोला है कि डिपार्टमेंट खुला है, जल्दी आ जाओ, काम हो रहा है, तो आएगा तो अलग गाली देगा यहाँ समझने के बाद। तो भैया फाइनली सुशांत भी पहुंच गया, तो एक गुड न्यूज है कि डिपार्टमेंट भी बंद है। पहले बोलना चाहिए ना, चल जाते हैं। भैया रांची यूनिवर्सिटी वाला जो काम है वो तो हुआ नहीं, और बगल में ऑक्सीजन पार्क थी तो सोचे घूम लेते हैं, तो आए हैं अभी ऑक्सीजन पार्क।
तो भैया जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं, और साथ में हमें भूख भी लग गई थी और काफी देर भी हो चुका था, तो फटाफट कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। या बस इस ब्लॉग में इतना ही, और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। वैसे जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर 18 तारीख को नई ब्लॉग शूट होगी, उसमें आपको रांची यूनिवर्सिटी अच्छे से घुमाएंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।